दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी डिलीशियस और आसान सी मिठाई की रेसिपी जिसको हम बनाएंगे केवल एक गिलास दूध के साथ। यकीन मानिए दोस्तों इतनी टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होती है कि इसको आप जिसे भी खिलाएंगे उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ना तो इसमें बाहर से मावा लाने की ज़रूरत है, ना ही हमें इसमें पनीर चाहिए, ना ही कंडेंस मिल्क। बहुत ही जल्दी ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। आप इसको एक बार ज़रूर बनाइए, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज दोस्तों वीडियो देखें और लाइक जरूर करें क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा, बेस्ट जायका में आप सबका बहुत। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे लगभग 2 चम्मच पानी। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें इसमें दूध डालना है और दूध जो है इस तरीके से पानी डालने से गले में बिल्कुल भी नहीं लगता, तो इसलिए पानी डालना ज़रूरी होता है। तो हम इसमें डालेंगे, ये हमने लिया है 1 गिलास दूध। इसको हमने थोड़ी सी मलाई के साथ ही ले लिया है क्योंकि आज इस मिठाई के अंदर हम ना कोई मिल्क पाउडर डालेंगे, ना ही कोई मावा खोया पनीर भी यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मैंने मलाई के साथ 1 गिलास दूध ले लिया है, लगभग 250 ml दूध है। दूध यहाँ पर मैंने फुल फैट लिया है। आप भी इस मिठाई को बनाने के लिए फुल फैट दूध का ही यूज करें क्योंकि हम इसमें मिल्क पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। तो चलिए दूध में एक अच्छा सा उबाल आने देते हैं। ये देखिए दूध में बहुत अच्छा उबाल आ गया है। अब हमें इसको गाढ़ा करना है, तब तक पकाएंगे जब तक कि एक रबड़ी की फॉर्म में ना आ जाए। तो इसको हमें पका कर बिल्कुल गाढ़ा कर लेना है। तो इसको लगातार चलाते रहेंगे और इसको क्योंकि आज इस रेसिपी में हम कोई भी मिल्क पाउडर या फिर कोई भी इसमें हम मावा वगैरह नहीं डाल रहे हैं, तो इसलिए जब इस तरीके से हम दूध को पकाकर इस मिठाई को बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसा टेस्ट आएगा जैसे कि इसमें मावा डाल दिया हो। तो इसलिए हमने दूध लिया है और दूध को हमें गाढ़ा करना है। इस तरीके से आप भी इसको लगातार चलाते रहें और इसको पकाकर गाढ़ा होने दें। और ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा दूध है वो रबड़ी की फॉर्म में आ चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। बस इस टाइम पर हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। इसी टाइम पर हम इसमें डाल देंगे, ये हमने ली है 1/2 कप चीनी। गैस को हमें बंद ही रखना है, गैस को ऑन नहीं करना है, बंद गैस पर ही हमें इसमें चीनी को डालना है और ऐसे ही इसको घुलने देना है क्योंकि दूध बहुत गर्म है तो चीनी आराम से घुल जाएगी। इस तरीके से इसको मिला दें ताकि चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। तो चलिए इसको अब हम साइड में रख देते हैं और अपना आगे का काम। अब हमें गैस पर रखना है एक पैन, तो पैन को हमने रख लिया है और ये हमने लिया है 1/4 कप घी। ये देसी घी है क्योंकि मिठाइयाँ जो होती हैं वो देसी घी में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, तो हो सके तो आप भी देसी घी का ही यूज करें। घी को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने लिया है 1 कप चावल का आटा। आज इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं चावल के आटे के साथ, तो हमने डाल दिया है। इसको अच्छे से मिलाएंगे, गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखा है। इसी के साथ इसमें डालेंगे 1/2 कप सूजी, ये हमने सूजी ले ली है। सूजी इस रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा दानेदार टेक्सचर देगी। इस तरीके से हम इनको लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर इसको नहीं भूनना है, आराम आराम से धीरे धीरे इसको लो फ्लेम पर ही हम भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन पूरे तरीके से निकल जाए और जो हमारी बर्फ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हो। लम्स बिल्कुल ख़त्म होने तक इसको हमें भून लेना है। यहाँ पर आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें क्योंकि जो मिठाइयाँ होती हैं उनको अगर हम आराम आराम से भूनते हैं बनाते हैं तो उनका खाने का मज़ा ही कुछ और आता है। बहुत ही अच्छी हमारी जो मिठाइयाँ होती हैं वो बनकर तैयार होती हैं। उतना अच्छे तरीके से आप इसको भूनोगे उतना ही टेस्टी आपकी मिठाई बनकर तैयार होगी, तो इसलिए आप इसको लो फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए धीरे धीरे भूनने दें। ये देखें पूरे 10 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। बस इससे ज़्यादा हम इसको और नहीं भूनेंगे, इतना ही रखेंगे। अब हम गैस की फ्लेम अब हम लेंगे वापस से वही कढ़ाई जिसमें हमने दूध को पकाया था, गैस हमें ऑन नहीं करना है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई इलायची अच्छे फ्लेवर के लिए। ये जो हमने आटा भून कर रखा है ना इसको हम डाल देंगे सारे को इसी में। इसको हम लगातार चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि दूध गर्म है और जो हमारा आटा है वो भी गर्म है। इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये जो सूजी है और आटा है इसने सारे दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसको लगातार चलाते हुए मिलाते रहेंगे क्योंकि आपको पता है जो सूजी है वो
लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लगातार चलाते रहें और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये अच्छे से डो की फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे आप देख भी रहे होंगे कि ये डो जैसा होता जा रहा है। और ये देखिए थोड़ी देर में ही ये डो की फॉर्म में आ चुका है। जो सूजी है और आटा है उसने सारे दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हमने लिया है ये इस तरीके का केक टीन, आप इसको प्लेट में भी जमा सकती हैं। इसमें हमने फॉल पेपर लगा दिया और इसको अच्छे से घी से ग्रीस कर दिया है। अब ये जो सारा मिक्स है हमारा सूजी वाला और आटे वाला, ये हम इसमें डाल देंगे। सारे मिक्स को हमने डाल दिया है केक टीन के अंदर। अब हम इसको अच्छे से स्पैचुला से एक सार करके फैला देंगे इस तरीके। सारे मिक्स को हमने इसमें फैला दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए काउंटर टॉप पर ही छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज के अंदर ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसके पीस कट कर लेंगे। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। और ये देखिए 15 मिनट बाद हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। जो हमारी बर्फी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है, बहुत ही जल्दी जम जाती है। चलिए इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। ये जो फॉल पेपर हमने लगाया था ना, बस इसको किनारों से पकड़कर आराम से उठाएंगे और ये निकल जाएगा। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। अब इसको हम प्लेट में रख लेंगे और इसको साइड से हटा देंगे सारे फॉल पेपर को, क्योंकि हमने इसमें घी लगाया था इस वजह से ये बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। ये देखिए आपको देखने से पता लग रहा होगा। तो चलिए अब लेंगे चाकू और चाकू से मैं इसको आपको काट कर दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी हमारी बर्फी जमकर तैयार हुई है। ये देखिए आपको देखने से ही पता लग रहा होगा जैसे मैं इसको काट रही हूँ कि कितनी बढ़िया हमारी बर्फी जमकर तैयार हुई है। कोई भी दिक्कत नहीं होती, इस तरीके से आप इसको काट लीजिए। ये देखिए इधर से भी हम इसको ऐसे ही कट कर लेंगे पीस में। ये देखिए और ये देखिए मैं आपको उठाकर दिखा रही हूँ, आप इसका टेक्सचर देखिए। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए वाओ, एकदम दानेदार हमारी बर्फी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल मुंह में घुलने वाली। तो लीजिए इस तरीके से बिल्कुल तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही जल्दी बनने वाली बिल्कुल मार्केट स्टाइल बर्फी की रेसिपी। आप इसको ज़रूर बनाइए, आप इसको जिसे भी खिलाएंगे उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।